तो गाइस मैं बनाने वाला हूँ मून प्लस ट्री टैटू, जिसमें मैं पहले मून को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो हमारा मून जो है रेडी हो चुका है। मैं नीचे इस तरफ डार्क लाइन देने वाला हूँ, जो देखने में एकदम अट्रैक्टिव लगेगा। गाइस इसमें मैंने शेडिंग के लिए ब्रश यूज़ किया है, जिसे मैं ब्लेंडिंग करता हूँ। तो ब्लेंड हो चुका है, अब इसके ऊपर मैं ट्री को जो है ड्रॉ करने वाला हूँ। तब तक जो है आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अब बारी है मून के आउटलाइन पे जो है शेडिंग देने की। शेडिंग देने के लिए दोस्तों मैं नॉर्मल जो है ब्रश का यूज़ करता हूँ। उसको हल्का सा पानी में भिगो करके यूज़ करें, ताकि जो है शेडिंग एकदम ही स्मूथली आए। नीचे तरफ जो है मैं क्रिसमस ट्री को ड्रॉ करने वाला हूँ, जिससे देखने में और भी अट्रैक्टिव लगेगा। शेडिंग देने के लिए जो हमेशा दोस्तों जेल पेन का यूज़ करता हूँ। इसमें क्या होता है, शेडिंग देना एकदम से इजीली हो जाता है, आसानी से शेड हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो है मैं बादल को ड्रॉ करने वाला हूँ, जो देखने में एकदम अट्रैक्टिव लगेगा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो जो है हमेशा डालते रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।